बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के बाढ़ जिले का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने नव निर्वाचित मुखिया प्रिय रंजन कुमार और एएसआई राजेश कुमार सहित 3 लोगों को गोली मार दी। घटना में नव निर्वाचित मुखिया और एएसआई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह तीनों बाढ़ थाना इलाके के बाजतपुर रोड में स्थित एक मैरिज हॉल में चल रहे शादी समारोह से वापस आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने तीनों को गोली मार दी, जिसमें पंडारक पूर्वी के नव निर्वाचित मुखिया प्रिय रंजन कुमार उर्फ गोरेलाल और पंडारक थाना के एएसआई राजेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। एएसआई राजेश कुमार की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना स्थित पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बिहार पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एएसआई के मौत से पूरा पुलिस महकमा आहत दिखा। वही गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पटना के एसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि परिवार की ओर से एफआईआर करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने चुनावी रंजिश के कारण हुई हत्या से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरे घटना की जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। जब तक एफआईआर वो नहीं करते हैं परिजन, तब तक हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। अभी इमीडिएट कारण ऐसा लग रहा है जैसा आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि घटनाक्रम चुनाव के दौरान इस तरह से कुछ उभर के नहीं आया, ना ही चुनाव प्रक्रिया में, ना ही काउंटिंग के दौरान, और ये नव निर्वाचित मुखिया थे और इनके साथ एक स्थानीय उसी ममरखा गांव के एक और व्यक्ति है और एक एएसआई है पंडारक थाने के, इन लोग के ऊपर भी गोली चली थी। तो हम लोग एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं और बाकी हम लोग अपने सूत्रों से अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिमिनल्स ने पुलिस पर अटैक किया है, कितनी गंभीरता? नहीं, इसको अलग तरह से देखने का प्रयास आप कर रहे हैं। पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस वर्दी में नहीं थी, इन प्राइवेट कैपेसिटी थी, तो डिफरेंट चीज़ है ये, ठीक है। वहाँ वार्ड पार्षद की भी हत्या हो गई है, नौबतपुर में भी अटैक किया गया है, वहाँ भी हत्या हो गई। नहीं, फिर अगेन आपका शब्दावली गलत है। अटैक नहीं है, घटना घटी है जिसमें वार्ड पार्षद की मृत्यु हुई है, उसको बगल में शादी भी थी। तो अब ये हर्ष फायरिंग में है कि ये उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी एफआईआर वहां से हुआ नहीं, एफआईआर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। परिजन जो बात बताएंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।